नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आरक्षण के चलते उच्च शिक्षा के सारे कोर्सों की काउंसलिंग पर लगी रोक। 4 साल को गौरव दिवस के रूप में मनाएगी राज्य सरकार, विपक्ष ने जताई निराशा। हत्या करने के बाद आरोपी ने पुलिस को दी चुनौती, पत्र लिखकर कहा करूंगा एक और हत्या। अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। आरक्षण के चलते उच्च शिक्षा में मेडिकल छोड़कर अचानक सारे कोर्सों की काउंसलिंग पर रोक लगा दिया गया है, जिससे लगभग 3 लाख विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BSc एग्रीकल्चर की प्रवेश परीक्षा के करीब 35,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था और अभी भी इसकी 650 सीटें रिक्त है। और डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा कोर्सों में 28,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, जिसकी काउंसलिंग ही चालू नहीं हो पाई है। इसी के साथ इंजीनियरिंग की भी काउंसलिंग को बीच में रोक दिया गया है और नियामक संस्था के अनुसार इसकी तारीख भी खत्म हो चुकी है। इनकी भी लगभग 8 सीटें रिक्त है। प्रदेश के महाविद्यालय संचालक तथा इन कोर्सों से जुड़ी संगठनों ने मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि जल्द से जल्द इन रुकी हुई काउंसलिंग को छात्रहित में चालू कराया जाए। आरक्षण है वो आरक्षण खत्म करके सीटें ओपन कर दी जाती हैं। एग्रीकल्चर में स्थिति है कि सीटें ओपन कर दी गई है, उसके बाद भी उसकी काउंसलिंग को रोक दिया गया है। हम सारे महाविद्यालय के संचालकों ने, एसोसिएशन ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा है और हम जाके वस्तु स्थिति उनको अवगत कराना चाहेंगे कि काउंसलिंग रुक जाने से प्रदेश के करीब 3 लाख बच्चों प्रभावित हो रहे हैं। 17 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के छत्तीसगढ़ में 4 साल पूरे हो जाएंगे, जिसके चलते सरकार छत्तीसगढ़ या गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है, जिसमें राज्य के 15,000 जगह आयोजन होंगे। इसको लेकर भाजपा का कहना है कि प्रदेश में 4 साल में चारों तरफ हताशा और निराशा है। छत्तीसगढ़ की सरकार विकास से कोसों दूर है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने से पहले ही कहा था कि वक्त में बदलाव होगा, आज जनता कह रही है कि वक्त है पछताने का। इसके बाद भी सरकार गौरव दिवस मना रही है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि सरकार को सद्बुद्धि दे। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया है कि 17 दिसंबर को राज्य सरकार के 4 साल पूरे होंगे और हम इसे छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसमें गौठानों और सहकारी समितियों में भी कार्यक्रम होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार का 4 साल पूरा होने जा रहा है। 17 दिसंबर को समूचे छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाएंगे। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में किसान मजदूर दिवस के रूप में हमारी जो प्राथमिक सहकारी संस्थाएं हैं, हमारी जो गोठान है, हमारी जो राज्य युवा मितान क्लब्स हैं और ग्राम पंचायत हैं, इनके द्वारा पूरा दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि यहाँ हुए अंधे कत्ल ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी और इसी के साथ आरोपी ने पुलिस को खुला चैलेंज करते हुए एक पत्र भी लिखा है कि जिसमें उसने 18 तारीख को एक और हत्या करने की चुनौती डाली है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और उच्च अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद से जांच जारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने मृतक के गले को धारदार हथियार से मारा है और चेहरे को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी है। अब मामले में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है कि वह मृतक कौन है, जिसके पता चलने के बाद ही आरोपी को पकड़ा जा सकेगा। खैरी गांव में मोरंगिया नाला के पास एक डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पक्षों पर जांच जारी कर रही है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।